अगर गांव में दो मस्जिद हो, एक हनफी बरेलवी और एक अहले हदीस, तो किस जगह नमाज पढ़ना बेहतर है? रफली दैन के साथ, चूंकि हनफी बरेलवी वालों की मस्जिद में तनकीद का भी मसला होता है। बिल्कुल जी, अहले हदीस के पीछे ही पढ़े, जाहिर है वो आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। मैं खुद प्रेफरेबली अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ता हूं, क्योंकि अहले हदीस जो है वो कम अज कम नमाज जो है ना सुकून से पढ़ते हैं। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी तो वो 5 मिनट में 4 रखते हैं, फारिग कर देते हैं। अहले हदीस फिर भी कम अज कम 8, 9, 10 मिनट में पढ़ते हैं, आप सुकून से नमाज पढ़ लेंगे। और फिर अहले हदीस में टॉलरेंस भी बहुत है। यार आप सोच रहे होंगे कैसा बंदा है अहले हदीस, रगड़ा लाने पे ना थोड़ी देर पहले है, वो कह रहे जी भाई ट्रूथ लवर है, जो बात सच्ची होगी। गौरों की अगर हम तारीफ कर सकते हैं तो मुसलमानों की क्यों नहीं कर सकते? ये जो दो फिरके हैं ना जी, अहले हदीस और शिया, इनके बारे में मेरी शुरू से 8-9 साल पुरानी वीडियो है। इनमें टॉलरेंस सारे मुकाबले फिक्र से बढ़ के, क्योंकि ये माइनॉरिटी में, जो अकलियत में होते हैं ना उनके अंदर टॉलरेंस ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही होती है। और ये हकीकत है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अहले हदीस की तो प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा हुई है। इनको मस्जिद नहीं बनाने देते, फौरन जाके स्टे ले आते हैं, क्योंकि उनको पता है मस्जिद बनेगी फिर एक एक करके दावत तौहीद की फैलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए उनको मस्जिद भी नहीं बनाने देते। तो इनके अंदर टॉलरेंस है। आप किसी देवबंदी या बरेलवी की मस्जिद में जाके आमीन ऊंची कहें, अब तो खैर काफी टॉलरेंस आ गई है जरबे अजब और रद्दुल फसाद की बरकत से। और मौलवियों ने जब डंग मारा हमारी रियासती इदारों को, तो रियासती इदारों को भी होश आया, तो अब कम अज कम इनके डंग, इन्होंने चूंकि इनको डंग लगाए हुए थे, डंग इन्होंने ही निकालने थे, निकाल दिए, अल्लाह का शुक्र है। अब सुकून है दुनिया में, कम अज कम पाकिस्तान में काफी सुकून आ गया। तो बहर अभी भी जो बहुत इंटीरियर इलाके हैं पंजाब के या सिंध के, वहां पे अगर आप आमीन ऊंची कह देना हल्की सी भी, तो मौलवी जो है ना वो घूरता है, ज्यादा सख्त हुआ तो कहकर निकले दूर। लेकिन अहले हदीस की मस्जिद में मेरा चैलेंज है आप चले जाएं, कभी कोई अहले हदीस आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुमने ऊंची आमीन क्यों नहीं कही, तुमने रफली दैन से नमाज क्यों नहीं पढ़ी। वो कहेगा यार चलो ठीक है, शुक्र है हमारी मस्जिद में कोई आया तो है, नमाज पढ़ ले, कभी कुछ नहीं करेगा। ये उनके अंदर टॉलरेंस मौजूद है, तो इसलिए ठीक है अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप वहां जाएं, लेकिन बरेलवियों की मस्जिद भी ना छोड़ें, क्योंकि फिर शैतान इनको ये पट्टी पढ़ाएगा कि देखो इसने रफ़ुल दैन शुरू किया है तो ये अब वाबियों की मस्जिद में जाता है, इसका मतलब है ये हमें मुसलमान ही नहीं समझता, इसलिए हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तो हम इसे क्यों मुसलमान समझे। ये वो गलती है जो अहले हदीस करते रहे कि चेंज हुए तो मस्जिद बदल ली, अपनी नई बना ली, नहीं इनके पीछे ही पढ़ो। मैंने कई दफा बताया हमारे मोहल्ले की मस्जिद देवबंदियों की है, वो इतना सख्त देवबंदी मुफ्ती था, जामिया अशरफिया लाहौर का पड़ा हुआ, कि 8 से 10 साल पहले ये हालत थी कि कोई हल्की सी भी आमीन कह देना सलाम फेर को कहता हो जाओ नसोए तू अपनी मस्जिद जाके नमाज पढ़ो। आज उसको जिंदगी में अल्लाह ने जलील किया है, वो इमामत करवा रहा है, उसके पीछे 10-12 लोग आमीन ऊंची कह रहे हैं मगरिब इशा में, वो घूर के भी नहीं किसी को देख सकता, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है और वो हमारी दावत की बरकत है, वो सारे लोग हमारी दावत से रिवर्ट हुए। मैंने उनको कहा नमाज उधर ही पढ़नी है, चंदे भी इसी मौलवी को दो, क्योंकि 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4। अगर आप मुसलमानों के सिस्टम से अलग हो जाएंगे ना तो ये तो पहले ही तैयार है कि आपको यहां से निकालें और ये अपनी उसी तरीके से जो कौम को बुट बनाया हुआ है वो बना के रखें। आपका सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना एक खामोश तबलीग है, 2-4 बंदे लगे मरो ना कल इतना ना मरो, हाँ